चलिए जी, यहाँ पर आज की इस वीडियो में JKP का जो एडिट ऑप्शन आया है या एक्टिवेट होने वाला है उस पर डिस्कशन करेंगे, और एक जो गोरखा कम्युनिटी का डाउट आपको देखने को मिलता है, कैटेगरी डाउट है, वो सब कुछ भी क्लियर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले जिनको नहीं पता बताना चाहूंगा, आपके लिए एडिट ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा 27 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक आपको टाइम दिया जा रहा है। जो भी एडिट वगैरह करना चाहते हो आप एडिट कर सकते हो, बट क्लियरली मेंशन करा गया आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, वर्टिकल कैटेगरी, किस किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनको आप एडिट नहीं कर सकते। बाकी जितने भी ऑप्शन है आप सभी को एडिट कर सकते हो, क्लियरली यहाँ पे मेंशन करा गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले डाउट बच्चों को आता है, जो गोरखा कम्युनिटी वाला था, फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में कम्युनिटी ट्राइब लिखा हुआ था, वहाँ पे यस करना है या फिर नो करना है, पहले इसका मतलब समझ लो, फिर आप मुझे खुद इसका आंसर बता दोगे। उस ऑप्शन में आपसे पूछ रहा था जो फिजिकल कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है इस भर्ती के लिए, कि आपकी इतनी हाइट होनी चाहिए, इतने चेस्ट होनी चाहिए, क्या आपके पास वो रिक्वायरमेंट्स है, क्या आप वो उस चीज के लिए एलिजिबल हो, तो आप मुझे बताओ क्या बोलोगे, यस बोलोगे या नो बोलोगे। सिंपल सी बात, आप बोलोगे हाँ मैं एलिजिबल हूँ तभी तो अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपको क्या वहां पर करना था, वहां पर आपको यस क्लिक करना था। जो ब्रैकेट में लिखा था गोरखा कम्युनिटी या ट्राइब के बारे में लिखा था, वो ये लिखा गया था कि अगर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी ट्राइब को बिलोंग करते हो, आपकी हाइट या जैसे 2 इंच कम भी है तो भी काम चल जाएगा, तो भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, तो भी आप एलिजिबल हो, वो ये बताया गया। तो मेजोरिटी में बच्चों ने सोचा कि ब्रैकेट में गोरखा कम्युनिटी लिखा है, ट्राइब लिखा, इसका मतलब है कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप गोरखा कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, आपने बोल दिया नो मैं उस कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता, जबकि वहां पर आपसे वो ये नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछा गया कि आपकी जो कंडीशन रिक्वायरमेंट है भर्ती के लिए क्या आप में वो है, तो आप बोलोगे हाँ यस है, तो आपने उसको यस करना था। क्लियर हो गया। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं जो आप एडिट नहीं कर सकते हो, अब अपने फॉर्म फिल कर दिया है तो अब आपका क्या होगा, तो आपको ये बात समझनी होगी, आपको अपने रिटर्न एग्जाम की तैयारी करनी है, जो फिजिकल टेस्ट होगा उसकी तैयारी करनी है। अगर आपकी सिलेक्शन वगैरह हो जाती है, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, कैटेगरी चेंज वगैरह, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अच्छे मार्क्स हैं, है ना। तो अगर आप देखिए अच्छे मार्क्स नहीं आते बट सही कैटेगरी होती है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाते हैं इस तरह कुछ वगैरह, या फिर आप डेटा इशू वगैरह पे गलत वगैरह हो चुकी है, तो उस टाइम पे डीवी के टाइम पे एफिडेविट दे सकते हो, एफिडेविट की हेल्प से आपकी वहां पे मदद हो सकती है। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी प्राइम फोकस आपको किस पे होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि एडिट ऑप्शन आपको मिल गया है, ध्यान से एडिट कीजिएगा, दोबारा आपको ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात यह कि अपने रिटन एग्जाम पर फोकस कीजिए और फिजिकल टेस्ट होगा उस पर फोकस कीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन पे बहुत मेहनत करनी है, फॉर्म यहाँ पे मतलब ऐसे 50-60 हज़ार फॉर्म लग गए तो टेंशन खत्म हो जाएगी, फॉर्म लाखों के हिसाब से लगे हैं और आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत बन जाती है, अच्छे से तैयारी आपको करनी होगी। अगर आपको मुझसे पढ़ना है, हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पर सर कोर्स चल भी रहा है, मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करेगा, तीसरा चैप्टर मैथ का स्टार्ट करेगा फ्रेश वाले बैच में, जिसका नाम है LCMHCL। आज बेसिक्स करवाएं, कल भी बेसिक्स ही करवाऊंगा। अगर आज भी आप जाके कोर्स ज्वाइन करते हो, पुराने कंटेंट आप आराम से कवर कर सकते हो, सिलेबस भी जल्दी आने वाला है, एक बार जब सिलेबस आ गया तो स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, कंटेंट इतना ज्यादा हो जाएगा, आपको कवर करना मुश्किल बन जाएगा। तो आज ही कोर्स ज्वाइन कीजिए, इवन आज के डेट की अगर मैं बात करूंगा, वहां पे आपके लिए डिस्काउंट चल रहा था, एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर अवेलेबल करवाया गया है। एडिट ऑप्शन आया ना, तो JKP एडिट के नाम से कूपन कोड है, अगर आप ये अप्लाई करोगे आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाके आप फुल लेंथ कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, उसमें टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, असेसमेंट वगैरह सब कुछ रहने वाले हैं। आप सेपरेटली जाकर तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। बाकी रही बात इस चैनल पर जो आपके लिए MCQ सीरीज चल रही थी उसके अपडेट की मैं बात करूंगा, वो सीरीज आपके लिए दोबारा से स्टार्ट होने वाली है, कल से वो वीडियोज भी आपके आना स्टार्ट हो जाएगी। अभी भी किसी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।